पाकिस्तान दे विच शिकारपुर तो कोई 33 किलोमीटर की दूरी पर शहर है सखर। उत्थे घटना वापरी है, कोई 100 साल पुराना गुरद्वारा साहब की इमारत है, गुरु नानक साहब जी के नाम के उत्ते गुरद्वारा बनया, और ज़्यादातर उस गुरद्वारा साहब का जिहड़ा प्रबंध है वह हिंदू भीर साडे जिहड़े ने वह देखते हैं। कीर्तन चल रहा सी कई दिनों तो ही, स्पीकर की आवाज़ को लेके आसे पासे के लोग जिहड़े है वह कुछ इतराज़ जता रहे। मेरी पाकिस्तान दे विच जो पाकिस्तान कमेटी के सैकटरी ने सरदार विकास सिंह सिंध के रहने वाले है, शिकारपुर के रहने वाले है, उन्होंने गल हुई, उन्होंने जानकारी दी है कि कुछ दिनों तो ही स्पीकर को लैके थोड़ा आपसी वाद विवाद जिहड़ा चल रहा सी, ते रागी कीर्तन कर रहे सी, ते आसे पासे दे कुछ घर के जिहड़े लोग सी वह आए, तो उन्होंने आके स्पीकर की आवाज़ जिहड़ी है वह घट कर दी अपने आप ही आके, जिथों तकरारबाजी शुरू हो गई और इन लोगों ने जिहड़े आसे पासे दे घर के लोग सी उन्होंने शोर शराबा गाली गलोच जिहड़ा सी वह करना शुरू कर दिता। पुलिस आई, पुलिस ने उन्होंने गिरफ़्तार किया, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की, बिना कार्रवाई किए वो जिहड़े गाली गलोच करने वाले लोग सी वो छड़ दिते गए। पाकिस्तान कमेटी के सैकटरी विकास सिंह के कहने मुताबक भावें हुण मामला शांत हो गया, पर बड़ी वड्डी चिंता साडे अंदर पैदा कर गई कि पाकिस्तान के अंदर घट गिनतियां जिहड़ियां ने, चाहे वह हिंदू है, चाहे वह सिख है, चाहे होर कोई कम्यूनिटी है, ईसाई है, कि वह अपने धार्मिक प्रोग्राम जिहड़े है या धार्मिक मर्यादा जिहड़ी वह निभा नहीं सकते। असीं खुद लाहौर दे विच देखे है स्पीकरां दी आवाज़ जिहड़ी है गलियां मुहल्लियां दे विच, जदों शुक्रवार बार वाले दिन जां तकरीरां हुंदियां ने जदों मस्जिदां तों बड़ी उसी आवाज़ दे विच स्पीकर गलियां बाज़ारां दे विच टंगे हुंदे आ, कोई इतराज़ नहीं है। तो फिर सिखां दे कीर्तन करन ते जिहड़ा इतराज़ जताउणा, मैं समझदा बहुत मंदभाग है। पाकिस्तान सरकार नूं घट गिनतियां दे धार्मिक आज़ादी जिहड़ी है वह बहाल करनी चाहीदी है। जे वाकई उह सुहिरदा घट गिनतियां दे प्रति, तां क्योंकि जदों भी किसी कंट्री दे विच किसी देश दे विच किसी धर्म नूं मनण वाले लोगों की धार्मिक आज़ादी खोई जाएगी तो उह देश कदे वसदा नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान सरकार सिखां दी धार्मिक आज़ादी जिहड़ी है वह यकीनी बनाए, सिख अपनी मर्यादा निभाते हैं गुरद्वारा साहब की स्थान के उत्ते, जो गुरुद्वारे की जमीन है, गुरुद्वारे की इमारत है, वो अंदर निभाते हैं, तो ये तो कोई इतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। तो जो कोई शरारती अंसर ये करता बड़ा मंदभाग है, असं ये निंदा करते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।